इस वक्त हम ग्रैंड ट्रंक रोड के मुरथल नाम के स्थान पर हैं, जो दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर है। मुरथल अपने ढाबों के लिए बहुत मशहूर है। दिल्ली से और भी दूरदराज के इलाकों से लोग यहाँ पर पराठे खाने आते हैं। ये गुलशन का ढाबा है, बहुत मशहूर ढाबा है यहाँ का। करीब 50 साल से गुलशन का ढाबा तरह तरह के पराठे और दूसरी चीज़ें यहाँ पर लोगों को खिलाता है। आइए देखते हैं यहाँ का स्वाद। गुलशन का ढाबा में जो मेन्यू है, मैं आपको पहले वो पढ़ के सुना देता हूँ। दाल मखनी तो है ही, दाल फ्राई, दाल तड़का, तीन किस्म की दाल है। दाल मखनी, दाल फ्राई, दाल तड़का, अरहर की दाल है। फिर राजमा, चना मसाला, कड़ी पकौड़ा, मिक्स वेजिटेबल, आलू मटर, दम आलू, शाही आलू, जीरा आलू वगैरह वगैरह, ये सिर्फ शुद्ध वेजिटेरियन खाना यहाँ पर मिलता है। एक लस्सी, एक पनीर पराठा, एक आलू प्याज का पराठा, एक मलाई कोफ्ता और एक दाल फ्राई। ये जनाब नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, नोएडा से ये लोग खास तौर पर मुरथल आते हैं यहाँ के पराठे खाने के लिए। तो कितनी दफ़े आते हैं आप? जब भी यानी कि हमने चंडीगढ़ जाना है, पानीपत जाना है, यहाँ ज़रूर रुकते हैं, आते हुए जाते हुए भी, आते हुए। कितने साल से आ रहे हैं? 20 ईयर्स। 20 साल से। आपका नाम क्या है? अच्छा, और इसका नाम क्या है? अच्छा, यहाँ का आपको क्या अच्छा लगता है? यहाँ का परौठा अच्छा है, साग मक्की की रोटी। साग और मक्की की रोटी, अच्छा। देखते हैं साहब कैसा खाना है इनका। नाम तो बहुत सुना है गुलशन ढाबा का। ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा डिब्बा और उसमें अचार। कभी आपका मौका लगे तो राजस्थान में गंगानगर के इलाके में वहाँ के सरसों के तेल का आम का अचार खाइएगा, बहुत उम्दा। ये भी ठीक है। जो यहाँ का पराठा है, दरअसल वो पराठा नहीं है, वो स्टफ्ड तंदूरी रोटी कह सकते हैं। तंदूर की रोटी में अंदर आलू प्याज या पनीर या और चीज़ें भरी हुई हैं। साथ में आपको मक्खन दिया जाता है, सफ़ेद मक्खन, घर का बना हुआ या यहाँ का बना हुआ, आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी मक्खन उस पर लगाएं। अब इंतज़ार है गुलशन के मशहूर पराठे का, जो तंदूरी रोटी है स्टफ। मेरा ये मानना है कि सफ़ेद मक्खन और देसी घी, खुद भगवान ने अपने हाथों से ये चीज़ें बनाई हैं। ये तो खैर वेजिटेरियन ढाबा है, लेकिन अगर कभी देसी घी में पका हुआ गोश्त खाने का अगर आपको मौका मिले, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। फिलहाल हम पनीर का पराठा सैंपल करेंगे। चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका। सारा कमाल जो है, एक तो वो आटे का है, बहुत बहुत शुद्ध, बहुत अच्छा आटा है ये। दूसरे जो पनीर है वो भी बहुत अच्छा है। तो पनीर और आटा जो है, सारा कमाल उसका है। बाकी और मसाला वसाला कुछ नहीं है इसमें। हल्का सा नमक है, लाल मिर्च है, जैसे अगर आप देखें कहीं कहीं बीच में आपको हरी मिर्च मिल जाएगी। ये आलू और प्याज का पराठा, आलू और प्याज का पराठा बहुत अच्छा है। इसमें धनिया है, आलू और बड़े बड़े कटे हुए प्याज हैं इसमें, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा। ये तो कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, ऊपर से अलग से मलाई है ये। आइए देखते हैं इनका मलाई कोफ्ता कैसा है। बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि फ्लफी है, स्पंज होता है जैसे, ये वैसा है। हम इनकी दाल फ्राई ट्राई करते हैं। सीधी सादी दाल है ये, घी का तड़का है इसमें, अरहर की दाल है, कोई मसाला ज़्यादा नहीं है, नमक है सिर्फ, में हल्की सी मिर्च है, साफ़ सुथरी सीधी सादी दाल। अब तीसरा पराठा देखते हैं कौन सा। ये सिर्फ प्याज का पराठा है, कुल मिलाकर इनका पनीर का पराठा, आलू प्याज का पराठा और प्याज का पराठा, तीन पराठे हमने ट्राई किए हैं। इसमें आलू प्याज का पराठा बहुत बढ़िया है।